पेपर वन का टॉपिक है, हिस्ट्री का टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी हमने हड़प्पन सिमेट्री से, हड़प्पन सिमेट्री जो राखीगिरी है वहाँ से हमने कुछ स्केल्टन्स के डीएनए को स्टडी किया है, तो उसकी फाइंडिंग्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी फाइंडिंग्स उसमें मिली हैं। सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने आर्ग्यू किया है कि जो हंटर गैदरर्स थे साउथ एशिया के, वो क्या थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पीपल लोग थे, और वो कहाँ पर उनका जो ओरिजन था वो क्या था, इंडिपेंडेंट था। उनकी कहीं पर भी डिपेंडेंसी हमें नहीं मिली है कि वो किसी दूसरे उस पर डिपेंडेंट थे, उनका ओरिजन किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट था, ठीक है। उनका ओरिजन जो हुआ था इंडिपेंडेंट ओरिजन हुआ था। अब इनकी फाइंडिंग्स की बात कर लेते हैं। फाइंडिंग्स में क्या है कि एक तो सबसे पहला कि इंडिपेंडेंट ओरिजन था, और जो इनका जीनोम है किसी भी, जैसे कि स्टेप प्रिजन है या फिर एशियन ईरानियन फार्मर्स हैं, वहाँ से उनका जीनोम नहीं कॉन्टेन कर रहे हैं, ठीक है। दैट शोज़ कि इनका ओरिजन क्या था, इंडिपेंडेंट था। उसके बाद जो हंटर गैदरर्स कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ को डेवलप किया था, और उसके बाद उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को फॉर्म किया, ठीक है। और जो हड़प्पन्स जो थे, हड़प्पन जो लोग थे वो क्या करते थे, मिसोपोटामिया हो गया, या फिर इजिप्ट हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, एंड साउथ एशियंस के साथ ट्रेड करते थे। और इनकी जो मूवमेंट ऑफ पीपल थी वो क्या थी, बाउंडेड थी, जिससे शो होता है कि जिससे क्या हुआ कि वो उनकी जो जेनेटिक हिस्ट्री थी वो मिक्स हो गई, ठीक है। और इंडिया की अगर बात करें, इंडिया की भी हाइट्रोजेनियस पॉपुलेशन है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेटल्ड लाइफ, ठीक है, ये एक फाइंडिंग है। उसके बाद जो इनकी मूवमेंट थी वो हम ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट थी। आज जो हड़प्पा पीपल्स प्रेजेंस है हम देख सकते हैं, एविडेंस भी मिले हमें, जैसे कि साइट्स गनूर इन तुर्कमेनिस्तान हो गया, और सहारे सकोता इन ईरान हो गया, तो वहाँ से हमें एविडेंस मिला है कि जो हड़प्पन्स पीपल थे वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते थे। कैसे हमने इसको प्रूव किया कि हम जो साइट्स जैसे हमें मिली हैं तुर्कमेनिस्तान की, गोनूर हो गया और सहारे स्कोता ईरान हो गया, दैट मीन्स उनकी जो मूवमेंट थी वो ईस्ट टू वेस्ट थी। ये क्या है इनकी फाइंडिंग्स। अब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि राखीगढ़ी इसकी हड़प्पन साइट है, तो इसका याद होना चाहिए कि राखीगढ़ी जो है हड़प्पन साइट है। तो उसके बाद समटाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंट साइट्स कौन कौन सी हैं, हड़प्पन साइट्स कौन कौन सी हैं, इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो या फिर ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो। तो उस फॉर्म में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी साइट्स हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उनकी कौन कौन सी साइट्स हैं। आगे हम ये साइट्स देखते हैं कि हड़प्पन की कौन कौन सी साइट थी नॉर्थ टू साउथ। जैसे हमने याद रखना है कि नॉर्थ टू साउथ कौन कौन सी साइट थी। अब पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में सबसे ऊपर कौन सी थी, रोपड़ थी। उसके बाद में हमारे पास आती है राखीगढ़ी आती है, फिर कालियाबंग आती है जो राजस्थान में है, और उसके बाद तरखनवाला डेरा आती है, फिर धोलावीरा आ गया, फिर लोथल आ गया, फिर रोचटी आ गया। ये सारी क्या है, हमने नॉर्थ टू साउथ जो है हमने स्टडी करना है कि नॉर्थ टू साउथ कौन कौन सी ये साइट्स हैं हमारे इंडिया में। अगर ओवरऑल बात किया जाए तो आप पाकिस्तान के देख लेते हैं। पाकिस्तान में हमारे पास हड़प्पन आती है, हड़प्पन के बाद दम्ब सादत आती है, देन नल आती है, फिर मोहनजोदारो आती है, फिर छानूदारो आती है, फिर दाम्बूबूथी आती है, फिर आला दिनो आती है। तो ये सारी क्या है, नॉर्थ टू साउथ है। अगर ओवरऑल की बात की जाए तो आपको ओवरऑल भी इसी वे में आपको याद करना है कि नॉर्थ टू साउथ कौन सी है या फिर ईस्ट टू वेस्ट कौन सी आती हैं। तो ये क्या है जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि साइट्स हड़प्पन में, हड़प्पन साइट्स में अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी क्या हुआ कि जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने फेलिसिटेट किया है कुछ स्टेट्स को एंड डिस्ट्रिक्ट्स को अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। जिन्होंने कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के लिए बड़ा अच्छा काम किया है, तो उन स्टेट्स को इन्होंने फेलिसिटेट किया गया है। जिसमें से अगर स्टेट्स की बात की जाए तो स्टेट्स में कौन कौन सी आती हैं, उत्तराखंड आती है, दिल्ली आती है, और हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया। ये पांच स्टेट्स हैं जिनको फेलिसिटेट किया गया है, ठीक है। इन्होंने चाइल्ड सेक्स रेशियो बर्थ को क्या किया, इम्प्रूव किया है। अब इसमें क्या कर लेते हैं कि अब हमें जो ये चाइल्ड सेक्स रेशो को इम्प्रूव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की लॉन्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले उसकी नीड को समझते हैं कि ज़रूरत क्या थी। ज़रूरत ये थी क्योंकि जो हमारा चाइल्ड सेक्स रेशो 1991 में देखा जाए तो हमारे पास 945 था, ठीक है। अगर 2011 में आते आते इसके कितना रह गया, 918,
इससे क्या पता चलता था कि जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो डिक्लाइन कर रहा है। डिक्लाइन क्यों कर रहा था? क्योंकि जो गर्ल्स के अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो क्या होता था कि जो डायग्नोस्टिक टूल्स थे तो इजीली अवेलेबल थे, पता चल जाता था कि बेटी है तो उसको क्या कर दिया जाता था, अबॉर्ट करवा दिया जाता था। तो उससे क्या था कि जो हमारी सेक्स रेशो थी वो कम होती गई। तो इसलिए जो ये सेक्स सिलेक्टिव मेजर थे उनको इलिमिनेट करना जरूरी था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप भी लिया कि हम पब्लिक के लिए, पब्लिक को अवेयर करते हैं इस चीज़ के लिए। और दूसरा हम देखते हैं कि जो CSR है, अब CSR क्या होता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, जैसे कई बार प्रीलिम्स का क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो CSR को डिफाइन किया जाए, ठीक है, कौन सी डेफिनेशन है उसकी। तो डेफिनेशन में क्या आता है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ हैं बिटवीन 0 to 6 years ऑफ एज, तो उनके उनका जो नंबर होगा, ठीक है, वो क्या डिटरमिन करता है, CSR, चाइल्ड सेक्स रेशो, कि कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है पर 1000 ऑफ बॉयज़ बिटवीन 0 to 6 years ऑफ एज, उसको क्या बोला जाता है, CSR, चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। और ये क्या था, जैसे कि सेक्स मैंने आपको पहले बताया कि जो सेक्स सिलेक्टेड मेजर्स थे उनकी वजह से क्या किया जाता था, उनको पता चल जाता था कि डॉटर है तो उसको अवार्ड करवा दिया जाता था। और ये क्या था, एक मेजर इंडिकेटर था जो क्या है, वुमेन को, वुमेन की डिसएम्पावरमेंट को शो कर रहा था, ठीक है। ये दोनों, ये और ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि जो गर्ल्स के अगेंस्ट प्री बर्थ देखा जाए वो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और जो पोस्ट बर्थ है वो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। दैट मीन्स तब भी हमारी जो CSR है वो डिक्लाइन कर रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ को हमने एड्रेस करने के लिए, इस पॉइंट को एड्रेस करने के लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को लॉन्च किया इन 2015 में, और जिसका पर्पस ये था कि हम जेंडर को प्रमोट करेंगे, जेंडर इक्वालिटी को, और जो गर्ल्स को एजुकेट किया जाएगा, ठीक है। इन्होंने एक मल्टी सेक्टर इंटरवेंशन जो थी वो लॉन्च की, जिसमें क्या था कि हम जो जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्शन है एंड उसको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, और जो गर्ल्स की एजुकेशन का प्रमोट करेंगे, जिससे क्या होगा कि उनकी जो हॉलिस्टिक एम्पावरमेंट है वो होएगी। तो इसमें जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व रही, जिसने जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, मतलब मल्टी सेक्टर इंटरवेंशन ये रही है। तो इसलिए जो जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो इसमें कुछ स्टेट्स ने बड़ा अच्छा आगे होके काम किया, जिसमें से उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी, तो जिनको अभी गवर्नमेंट ने पहली स्टेट किया है। तो अभी इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, तो इसका पर्पस क्या है, जेंडर इक्वालिटी एंड एजुकेटिंग गर्ल्स, तो ये है। और इसका कौन सी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, तीनों मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, तो ये तीनों मिनिस्ट्रीज का आपको पता होना चाहिए कि तीन मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, और इसमें कुछ नहीं है। आगे पेपर 2 का टॉपिक है पॉलिटी का टॉपिक। अभी क्या हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क द यूनियन गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू पिटीशन चैलेंजिंग इस डिसीजन टू अमेंड द ड्रैकोनियन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, गिविंग इट पावर्स टू कैटेगराइज एनी वन एज ए टेररिस्ट। इसको क्या गया है, चैलेंज किया, चैलेंज कर रहे हैं, पिटीशन चैलेंज कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है, जो यूनियन गवर्नमेंट को पूछा है कि आप इसको क्या करो, रिस्पॉन्ड करो, जो ये जो पिटीशन है। अब पिटीशन क्या कहती है, पिटीशन कहती है कि जो एक्ट है दैट कन्फर्स गवर्नमेंट विद डिस्क्रिशनरी अनफिटेड एंड अनबाउंड पावर्स टू कैटेगराइज ए पर्सन एज ए टेररिस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट बिल 2019 की बात करते हैं कि बिल है क्या, इसमें क्या करता है, ये अमेंड करता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 को, ये क्या करता है, अमेंड करता है। इसमें क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डेजिग्नेट कर सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर उनको लगता है कि ये कमिट करता है या फिर पार्टिसिपेट करता है इन एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, ठीक है, या उस टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में ये पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर टेररिज्म को प्रिपेयर कर रहा है, या फिर टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, या फिर अदरवाइज टेररिज्म में इन्वॉल्व है, या फिर इम्पावर करता है, एंड ये क्या करता है, इम्पावर करता है गवर्नमेंट को टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज ए टेररिस्ट ऑन द सेम ग्राउंड, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकता है और इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकता है। और उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन कोई ऑफिसर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऑफिसर कंडक्ट कर रहा है, तो उसके लिए उसने किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, तो अगर उसकी प्रॉपर्टी को सीज करना है तो उसके लिए जो डायरेक्टर जनरल ऑफ द NIA है उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी,
ठीक है। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस है दैट मे बी कंडक्टेड बाय द ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द पुलिस और अबव, ठीक है, ये कंडक्ट कर सकते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ये दूसरे ऑफिसर्स को एम्पावर कर सकते हैं जो कि इंस्पेक्टर रैंक के होने चाहिए या फिर अबव होने चाहिए टू इन्वेस्टिगेट केसेस। उसके बाद ये टेररिज्म टेररिस्ट को कैसे जो इसकी एक्टिविटीज़ को कैसे डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ टू इंक्लूड एक्ट्स कमिटेड विद इन द स्कोप ऑफ एनी ऑफ द टेररिस्ट लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट, जैसे कि द कन्वेंशन फॉर द सुप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग हो गया 1997 एंड द कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ होस्टेजेस 1979 भी, ये दोनों कन्वेंशन के अंडर ये एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं उसको टेररिस्ट एक्टिविटीज ये डिफाइन करता है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। और बिल ने क्या किया, एक ट्रीटी को और ट्रीटी को ऐड कर दिया जो क्या है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सुप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005। तो ये सारा इसमें आता है, तो इसी के वजह से क्योंकि ये क्या है एक डिस्क्रिशनरी पावर देती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट क्या कर सकती है किसी को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है, तो उस पिटीशन को अभी क्या हुआ है चैलेंज किया जा रहा है। तो इसमें से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बस सिर्फ यही बनता है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019 है वो कौन से एक्ट को अमेंड कर रहा है, वो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, ठीक है। या फिर मेंस का क्वेश्चन कैसे बनेगा, मेंस का क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि बिल के कौन कौन से प्रोविजन है, क्या क्या प्रोविजन थी, तो ये आपको सारी पता होने चाहिए कि डिटेल में कि ऑर्गेनाइजेशन को ये टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है, गवर्नमेंट इंडिविजुअल को कर सकती है, या फिर अगर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कोई ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है और उसने किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया उसकी जो प्रॉपर्टी सीज करने की बारी आएगी तो वो क्या करेगा, उसको डायरेक्टर जनरल ऑफ जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे हैं, या फिर जैसे ऑफिसर्स कौन कंडक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, डिप्टी सुपरिटेंडेंट कर सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कर सकता है, और ये क्या करता है कि अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ये किसी रैंक ऑफ इंस्पेक्टर तक के जो ऑफिसर है उसको एम्पावर कर सकता है या फिर उससे अबव जो रैंक है उसको एम्पावर कर सकता है केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। और कौन कौन से एक्ट्स के अंडर ये एक्टिविटीज़ को डिफाइन किया हुआ है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के, ये दोनों, और नया कौन सा एक्ट इन्होंने ऐड किया है वो है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सुप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म। तो ये है सारा प्रीलिम्स एंड मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट रीज़न देख लेते हैं कि रीज़न क्यों इनको इसको अपोज किया जा रहा है, इसलिए अपोज किया जा रहा है क्योंकि ये जो ऑफिशियल्स हैं वो किसी भी पर्सन को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट फॉलोइंग एनी ड्यू प्रोसेस। और उसके बाद अगर ये भी नहीं है कि ये जो लॉ है, ये जो बिल है, इट डजेंट प्रोवाइड एनी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज इन केस एन इंडिविजुअल इज डेजिग्नेटेड एज ए टेररिस्ट, ठीक है। अगर स्टैचुटरी रेमेडी की बात की जाए कि कौन सी स्टैचुटरी रेमेडी अवेलेबल है, उसमें क्या है कि अगर किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी फॉर डी नोटिफिकेशन, और वो गवर्नमेंट क्या करेगी एक रिव्यू कमेटी बनाएगी जो उसको वेरीफाई करेगी और उसको उसका केस कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो अगर किसी को गवर्नमेंट टेररिस्ट डिक्लेयर कर देती है विदाउट फॉलोइंग एंड ड्यू प्रोसेस, वो क्या है एक सिविल डेथ होती है किसी भी पर्सन के लिए, क्योंकि सोशल उसका बॉयकॉट हो जाएगा और उसको जॉब नहीं मिलेगी और मीडिया तो वैसे ही बंदे का बुरा हाल कर देता है, ठीक है। तो ये सारा क्या है इसमें प्रॉब्लम आएगा, तो ये रीजंस है क्यों इसको अपोज किया जा रहा है। तो ये क्या है एक मेंस का क्वेश्चन है कि बिल की क्या प्रोविजंस हैं और हम इसको क्यों अपोज करें और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो वो सारा इसमें मेंस का एक आंसर बनता है। आगे है हमारे पास पेपर टू का टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है। इसमें क्या है कि अभी हमारी फोर्थ इंडियन कॉन्फ्रेंस इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2019 हुई है मेल कैपिटल्स ऑफ मालदीव्स में, ठीक है। अब इसमें हमने क्या याद रखना है, इसका थीम जो यूपीएससी जनरली नहीं पूछती है तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप यूपीएससी परस्पेक्टिव से इसको रिटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें से क्या याद करना है कि ये किसने इनिशिएट किया था, इनिशिएटेड बाय इंडिया फाउंडेशन अलॉन्ग विद इट्स पार्टनर्स फ्रॉम सिंगापुर, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, ठीक है। ये तीन कंट्रीज ने मिलके प्लस फोर्थ इज इंडिया, इन चारों कंट्रीज ने मिलके इसको इनिशिएट किया था, ठीक है। और ये क्या है फोर्थ थी, फोर्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2019 थी, कहाँ पे हुई है, मेल कैपिटल ऑफ मालदीव्स में। तो इसमें से क्या क्वेश्चन क्या बनता है कि किसने इसको इनिशिएट किया था, कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, फोर कंट्रीज सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड इंडिया, ठीक है। कहाँ पे हुई है, जो रिसेंट हुई है फोर्थ हुई है, कहाँ पे हुई है, मेल इन मालदीव्स, कैपिटल ऑफ मालदीव्स।
अब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इंडियन ओशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये क्या है कि एक जो इंडियन ओशन है इसकी एक प्रिविलेज्ड लोकेशन पे है, जहाँ पे क्या है कि जो हमारे ग्लोबल ट्रेड रूट्स हैं, ठीक है, वो ट्रेड रूट्स को कनेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम देखा जाए कि जैसे नॉर्थ यूरोपियन में हम कैसे पहुँचते हैं, थ्रू पर्शियन गल्फ हम जाते हैं, और अगर ईस्टर्न साइड में देखा जाए तो हम मलाइका स्ट्रेट की यूज़ करते हैं। तो ऐसे क्या है कि क्रॉस रोड्स पे क्या है लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद जो 40% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन है वो इसी इंडियन ओशन से होती है, और ये नेचुरल रिसोर्सेज इसमें बहुत ज़्यादा हाई है। और फिशिंग की बात करें तो 15% ऑफ द वर्ल्ड्स फिशिंग भी इंडियन ओशन में ही मिलता है। और जो मिनरल रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज लाइक जैसे पॉलीमेटेलिक नोडुल्स हैं, ये मैंने आपको एक दिन पहले भी एक लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपको पॉलीमेटेलिक नोडुल्स के बारे में जाना है तो आप मेरी जो सीरीज़ है उसको फॉलो कीजिए, और जो लास्ट लेक्चर्स हैं उसको आप देख सकते हो। तो उसमें मैंने पॉलीमेटेलिक नोडुल्स को बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है, जैसे कि इसको निकल हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, और सल्फाइड डिपॉजिट्स कह सकते हैं कि इसके मैगनीज हो गया, कॉपर, आयरन, जिंक, सिल्वर एंड गोल्ड, ऐसे जो सी सारे हैं ना, बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में इंडियन ओशन में मिलते हैं, ठीक है। और कोस्टल सेडिमेंट्स की बात कर लो, जैसे इम्पोर्टेंट सोर्सेज हो गया, टाइटेनियम हो गया, टाइटेनियम, जिरकोनियम, टिन, जिंक एंड कॉपर, ये सारे भी क्या है इम्पॉर्टेंट सोर्सेस इनके अवेलेबल है वहाँ पे। और रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं, वो सारे बहुत सारे मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास इम्पोर्टेंस, आगे कि इंडियन ओशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इंडिया के लिए भी और अदर कंट्रीज़ के लिए भी। अब इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन मैंने बता दिया कौन सा बनता है, कि कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है जिन्होंने मिलकर जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस अभी ऑर्गेनाइज करवाई है, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें अवेलेबल है, इन्वॉल्व है, और जो अभी ये फोर्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई है ये कहाँ पे हुई है, मेल कैपिटल ऑफ मालदीव्स में। और उसके बाद हमने मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैप का क्वेश्चन इसमें से निकल के आ सकता है, जैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, उसकी कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं वो आपने इसमें से याद करनी है, कि जो इंडियन ओशन है किससे कनेक्टेड है, कौन कौन सी कंट्रीज़ इसके बाउंड्रीज़ को टच करते हैं, ठीक है। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज से लगा लो, या फिर ये इंडिया का सारा आपको याद करना है, और ईस्टर्न जो है वो सारी आपको याद करनी है कि कौन कौन सी कंट्रीज इंडियन ओशन के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास है, अभी क्या हुआ कि जो पीएम है उन्होंने जो नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम फॉर फूट एंड माउथ डिजीज़ को लॉन्च करना है। तो उसमें क्या है कि ये प्रोग्राम है क्या, जो हमारे क्वेश्चन कैसे बनता है कि ये प्रोग्राम है क्या, ये क्या है 100% सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम है, जिसका पर्पज़ क्या है कि हमने जो फूट एंड माउथ डिजीज़ एंड ब्रुसेलोसिस है बाई 2025, उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है विद वैक्सीनेशन, और इसको इरेडिकेट करना है बाई 2030 तक, इसको क्या करना है, इरेडिकेट करना है। और ये है क्या, ये क्या है, एक इन्फेक्शियस एंड फॉटल वायरल डिजीज़ है, जो जो क्या करती है, जो क्लोवन होफ्ड एनिमल्स हैं उनको इफेक्ट करती है, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक एंड वाइल्ड बॉबिट्स को, ठीक है। ये है जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो डिजीज़ क्या है, इसका एम क्या है, कि हमने जो फूट एंड माउथ डिजीज़ है और एंड ब्रुसेलोसिस है बाई 2025, उसको कंट्रोल करना है और इसको टोटली इरेडिकेट करना है बाई 2030, ठीक है। ये क्या है, एनिमल्स के लिए। और पैरेलली अगर देखा जाए तो ये डिजीज़ है जो अडल्ट्स में भी मतलब ह्यूमंस में भी पाई जाती है, जैसे कि आप ये पिक में देख सकते हो कि इसमें जो चिल्ड्रंस है, चिल्ड्रंस मोस्टली इफेक्टेड होते हैं हैंड्स एंड माउथ पे, उनके भी देखी जा सकती है ये। तो इसमें क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या प्रिकॉशंस होते हैं, ये आप सारा स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अभी क्या है कि जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बोला है कि प्लान को प्रिपेयर किया जाए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। अब इसके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स का क्वेश्चन इसमें से बनता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन सा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, या फिर एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो ऐसे IUCN स्टेटस पे इसके क्वेश्चन बनता है, और कौन कौन से स्टेट्स में ये मिलता है, और ये कौन कौन सी लिस्ट में क्या है,
इंक्लूडेड है। तो इसमें सबसे पहले IUCN की बात करें तो IUCN के स्टेटस के अकॉर्डिंगली ये क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है एंड इट इज़ फाउंड इन गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, और ये लिस्टेड एंड शेड्यूल वन ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर एंड CMS कन्वेंशन के अंडर भी ये मैंशन है एंड इन अपेंडिक्स वन ऑफ जो साइट्स है उसमें भी ये मैंशन है। अब अपेंडिक्स वन या शेड्यूल वन का अगर डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स है उसको देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है कि शेड्यूल वन एंड अपेंडिक्स वन का क्या मतलब है। तो इसको एक इट इज़ ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द स्पीशीज़ फॉर द रिकवरी प्रोग्राम अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक अपना प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। उसके अंडर ये क्या है, एक स्पीशीज़ है जो रिकवरी स्पीशीज़ है जिसकी रिकवरी के लिए उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये भी राजस्थान गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया हुआ है। इसका पर्पस ये है कि आइडेंटिफाइंग एंड फैंसिंग ऑफ बस्टर्ड ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड एरियाज एज वेल एज प्रोवाइड सिक्योर ब्रीडिंग इनक्लोजर्स इन एरिया आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, उनको हमने प्रोटेक्ट करना है, इसलिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है स्टेट ऑफ राजस्थान ने लॉन्च किया है। उसके बाद प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करते हैं तो उसमें डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी राजस्थान हो गया और रोलावाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश हो गया और करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मध्य प्रदेश हो गया, ये क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ है। अब इसमें से जो डिफरेंट डिफरेंट सेंचुरीज है जैसे कि डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी राजस्थान एंड रोलावाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश एंड करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, ये सारे तीनों क्या है आपको याद होने चाहिए कि कौन सी स्टेट में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये क्या है प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जैसे IUCN स्टेटस कौन सा है और ये शेड्यूल वन में है या शेड्यूल टू में है किस में है और या फिर अपेंडिक्स वन में है टू में है थ्री में है कि कौन से अपेंडिक्स में ये साइट्स के इंक्लूडेड है, तो ये सारे क्या है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हैं।